Yes, student, next stoichiometry content is percentage composition. Percentage composition. That is percentage of constituents. What is the meaning of constituents? Constituent means the atoms to which a molecule is formed. जैसे सपोज कोई कंपाउंड है CO2, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या कहलाएंगे? कार्बन एंड ऑक्सीजन. वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या कहलाएंगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट. सो द परसेंटेज कंपोजिशन, दैट इज परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन अ गिवन मॉलिक्यूल और कंपाउंड. गिवन मॉलिक्यूल और कंपाउंड. स्टूडेंट यू नो दैट कंपाउंड्स आर मेड अप बाय टू आर मोर एलिमेंट एंड व्हेन दे कंबाइन इन द फिक्स्ड रेशियो. सो देयर रेशियो आर फिक्स्ड. देयर रेशियो मींस जो एटम जिनसे वो मिलके बने हैं उनके जो रेशियो बाय मास होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं. तो उसके बेसिस पर हम क्या निकाल सकते हैं? हर एक एटम का या मॉलिक्यूल का परसेंटेज इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल और कंपाउंड. इट इज ऑब्टेंड बाय द फॉर्मूला. सो वी शुड लर्न फॉर्मूला हियर. सो परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास. एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटम और वी कैन से व्हाट? मॉलिक्यूल. एटम और मॉलिक्यूल होल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड. दैट इज हमने जिस कंपाउंड का फाइंड करना है उसका मॉलिक्यूलर मास होल मल्टीप्लाइड बाय 100. सो दिस इज द फॉर्मूला टू विच वी कैन फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट. गेटिंग? लाइक इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. फाइंड परसेंटेज ऑफ एच एंड ओ इन H2O. ओके, सो H एंड O क्या है? ये वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. तो अब हमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का क्या फाइंड करना है? परसेंटेज, सेपरेटली परसेंटेज फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करें? परसेंटेज ऑफ H2 इज इक्वल टू, नाउ वी शुड नो इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन लाइक हियर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास सो इज व्हाट? 2, बिकॉज 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड. सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड? सो H2O इट्स मॉलिक्यूलर मास इज व्हाट? 18 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 100 इज इक्वल टू, यू कैन कैंसिल इट, दिस इज 50, दिस इज व्हाट? 9 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 9 वन जा 9 9 वन जा अगेन 9 एंड इट विल सो ऑन. सो द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? 11.11%. सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, सो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? इट इज व्हाट? 16. रिमेंबर इट्स एटॉमिक नंबर इज 8 बट एटॉमिक मास वी हैव टू फाइंड एटॉमिक मास 16. एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर? दिस इज व्हाट? 18.
multiplied by what? 100. Now, this is 8 time, this is 9 time, is equal to 800 divided by 9 is equal to 9 area 72. Again, 9 area 72 and 89%. So, in this way, you can find percentage composition. Now, the percentage composition, water is made up of only two things. So, now the percentage of H2 plus O, what is it? 11.11 plus 88.89. So, it will be what? 100. So, that become what? 100%. This is what? H2O. So, in this way, you can what? Verify your answer. That is, the overall percentage of all constituent must be equal to 100. Okay. Now, let's see another example. Percentage of C and O2 in CO2. Okay. Percentage of C and O2 in CO2. So, how to find it? So, percentage of C is equal to, what is the atomic mass of carbon? It is what? 12 gram per mole divided by, what is the molecular mass of CO2? So, we have to find it what? For CO2. What is this? CO2 is equal to 44. So, write there what? 44 whole multiplied by what? 100. Okay. 4, 3, 12. 4, 11, 44. So, it is equal to 300 divided by 11. Okay. Is equal to 11 to 22. Again, 11 to 22. Remaining what? 8. So, 11, 7, 77, 3. So, 11 to 22. So, 22.72% of what? Carbon. Of carbon. Okay. And now, how to find the percentage of oxygen? So, percentage of the next constituent is what? Oxygen. Of O2 is equal to, now the molecular mass of O2 will be what? 32. Okay. Its atomic mass is what? 16. But molecular mass will become 2 into 16 is equal to 32 divided by, again what? 44 multiplied by 100 is equal to, now again, 4 8 32 and 4 11 44 means what? 800 divided by 11 is equal to 11 7 77 remaining 3, 11 2 22 remaining 8. So again 11 7 that one and that one. Isn't it? Now total, if you have to find it, the total is equal to what? C plus O2 is equal to CO2. And this is what? 22.72 plus 72.27. Okay. Is equal to, there will be 27. Okay. 27 is equal to what? 100. So, here you get the answer. So, student, यदि आपको कोई भी question दिया हो, कि उसके किसी compound के, ना, any of the compound given, उसके किसी atom का percentage find करना है, तो हम इस way में percentage find कर सकते हैं. जैसे हम बहुत easily एक question solve करते हैं, कि in a classroom, there are 10 boys and 40 girls. Okay, 10 boys and 40 girls. So, what is the percentage of boys and what is the percentage of girls? So, hum kya likhte hain? Percentage of boys is equal to number of boy upon total number of student multiplied by 100. Aur yadi percentage of girl nikalna hai to number of girl divided by total number of girl, total number of student multiplied by 100. In the same way, you can deal the chemistry. It is not so difficult. It is what? Quite easy. Yes, student, when the numerical question will be asked, you will find that this content becomes very, very important to solve the difficult numerical question. That is, these are
these content are used as steps in that difficult numerical question. What is this? How to find quantity of constituent? Okay, if exact quantity of compound is given, यदि किसी कंपाउंड की एग्जैक्ट क्वांटिटी गिवन है कि ये इतने ग्राम है या इतने किलोग्राम है, तो उसमें जो उसके कंपोजिशन होंगे यानी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनकी इंडिविजुअल ओके मींस अलग अलग क्वांटिटी कितनी होगी. तो ये फाइंड करने के लिए क्वांटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट constituent is equal to atomic mass of that constituent divided by mass of compound and what molecular mass. Remember, what is this molecular mass? Okay, whole multiplied by given mass of compound. Given mass of compound. Given mass means how many exact quantity of mass is given in the question. So this is given mass of compound. With this you can find the quantity, exact quantity of constituent means जिस atom से वो मिलके बना है. जैसे example के लिए how many okay, quantity of carbon okay and oxygen is present in, now I am changing the quantity, what, 22 gram CO2. Okay, that means the quantity of CO2 is what, 22 gram. Now we have to find how many gram of carbon and how many gram of oxygen. ओके इंडिविजुअली मींस अलग अलग प्रेजेंट है ना 22 ग्राम कार्बन में. सो यूज द फॉर्मूला. व्हाट क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट हम क्या ले रहे कार्बन इज इक्वल टू व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. दिस इज व्हाट 12 इट इज इट्स एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मॉलिक्युलर मास ऑफ कंपाउंड. सो द मॉलिक्युलर मास ऑफ कंपाउंड इज CO2. Molecular mass of, you do write here, compound. This is what? CO2. Whole multiplied by, what is the given mass? This is given mass of compound. So, what is the given mass? Compound is CO2 and its mass is 22. So, write here what? 22. Now, solve the question. Carbon is equal to 12. Now, you know its molecular mass? 12 plus 32 is equal to 44 multiplied by 22. So 22 is equal to 6 gram. So what we can say, in 22 gram of carbon dioxide, actually the carbon is only 6 gram. Similarly, quantity of O2. Okay, so quantity of O2, what is the molecular mass of O2? This is 32 upon molecular mass of CO2. Again, this is 44 whole multiplied by how many quantity of carbon dioxide is there? 22. So now cancel it. That is 2 is equal to 16. So total what? 16 gram. Now you will check here total compound, total quantity of CO2 is equal to what is the C? This is 6 gram plus O2 is 16 gram. This is what? 22. So here you get the answer 22. Okay. Like, I am solving one more question. Find, okay, quantity of Na, okay, carbon and oxygen in, okay, in 25 gram Na2CO3, that is washing soda. And how many washing soda is given there? 25 gram. So what we have to find? This is made up of how many gram of sodium, how many gram of carbon and how many gram of
oxygen exactly, isn't it? So to find it, apply formula, quantity of Na is equal to its atomic mass is 23 divided by, now what is the molecular mass of Na2CO3? So find here, molecular mass of Na2CO3, Na2CO3, that is what, 23 into 2 plus 12 plus 48. Okay, so 48 plus 12 is equal to 60, and 46 is equal to 106, and multiplied by what, 25. What is the 25 here? 25 is the total mass of sodium carbonate. So you do solve, you will get the answer. Similarly, quantity of carbon is equal to, now atomic mass is 12 upon total molecular mass of Na2CO3 is 106 into given Na2CO3 is what, 25. Okay, you do solve it, you will get the answer. Similarly, quantity of O3, that is oxygen. Now here oxygen is present with 3 atoms, therefore we will write its molecular mass, that will be what, 16 3 48 divided by 106 and multiplied by 25. Okay, we solve the question, you will get the answer. Okay, so in this way you can solve the question. Like question, find quantity of S, that is sulfur, S that is sulfur, in 49 gram H2SO4. This is sulfuric acid. Sulfuric acid, and we have to find what, quantity of sulfur only. Quantity of sulfur only. So how to find it? So quantity of sulfur is equal to, what is the atomic mass of sulfur? This is 32. What is the molecular mass of H2SO4? So you do calculate, it will come 98 multiplied by, what is the total quantity given of H2SO4? This is what, 49, isn't it? So 49 and this is 2 is equal to 16 gram. So we can say in 49 gram of H2SO4, actually the sulfur is how many? 16 gram, isn't it? So in this way you can solve the question. Okay, like if we connect it through mole, okay, find quantity of, say, anything, any of the compound, like quantity of calcium, okay, in 0.25 mole, okay, of, now the compound is CaCO3, but here quantity, okay, is given by mole, not by gram. So what we have to do? First we have to find in 0.25 mole how many gram of calcium carbonate is there. And पहले हमें क्या find करना पड़ेगा? Is 0.25 mole का meaning calcium carbonate की कितनी quantity है? Isn't it? Now solution. 1 mole CaCO3 is equal to, the atomic mass of Ca is 40 plus carbon is 12 plus oxygen is 48 is equal to 100 gram. Means what? 1 mole CaCO3 is equal to 100 gram. So 0.25 mole CaCO3 is equal to 0.25 multiplied by 100 is equal to what, 25 gram. So now here we are having
द क्वांटिटी ऑफ सी एस सी ओ थ्री इज वॉट 25 ग्राम, इजंट इट? सो इन 0.25 मोल फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, पहले हमें क्या फाइंड करना है, कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी कितनी है. तो कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी कितनी आई, 25 ग्राम. नाउ अब इस 25 ग्राम में कैल्शियम कितना प्रेजेंट होगा, तब हम यहां सोच देख सकते हैं कि 100 ग्राम में कैल्शियम कितना है, 40, तो 25 ग्राम में कितना होगा. दिस इज व्हाट सिंपल सिक्स्थ क्लास न्यूमेरिकल, इजंट इट स्टूडेंट? यू हैव टू सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वन. ओके, यस स्टूडेंट्स, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. ओके, बर्निंग ऑफ एलपीजी ऑफ 10 grams इन प्रेजेंस ऑफ O2. यू नो दैट फॉर बर्निंग O2 रिक्वायर, O2 प्रोड्यूसेस 1.1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एंड 2.25 ग्राम वाटर. ओके, यू नो दैट व्हेन द एलपीजी गैस इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एंड व्हाट इज द क्वांटिटी, 1.1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर कितना है, 2.25 ग्राम. ओके, फाइंड ओके क्वांटिटी ऑफ, अब हमें क्वांटिटी क्या फाइंड करना है, कार्बन एंड हाइड्रोजन. ओके, अब हमें कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी फाइंड करना है कि एक्चुअली कितनी ऑब्टेन होगी, इजंट इट? व्हाट इज द क्वेश्चन, कि एलपीजी गैस है जो हमारे किचन में यूज होती है, सपोज उसके 10 ग्राम को हमने बर्न किया किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे टू प्रोडक्ट बना, एक कार्बन डाइऑक्साइड बना और दूसरा वाटर, बट उनकी क्वांटिटी 1.1 ग्राम और 2.25 ग्राम है. तो इस 1.1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है और 2.25 ग्राम में हाइड्रोजन कितना है, ये हमें फाइंड करना है ना. सो फर्स्ट वन, क्वांटिटी ऑफ व्हाट, कार्बन इन CO2, क्योंकि कार्बन कहां प्रेजेंस होगा, CO2 में, इट इज इक्वल टू, सो व्हाट इज द फॉर्मूला अगेन, व्हाट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, व्हाट इज दिस, 12 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज व्हाट, 44. ओके, मल्टीप्लाइड बाय ऑब्टेंड कंपाउंड, यानी कंपाउंड कितना ऑब्टेंड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना ऑब्टेंड है, 1.1 ग्राम. ओके, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 12 एंड 44, दिस इज व्हाट, 3 एंड दिस इज व्हाट, 11. नाउ 1.1 एंड 11, यू कैन राइट इट, 3 दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय, कैंसिल करिए तो ये 11 अपॉन 11 इंटू, ये इसको करने के लिए हमने 10 किया, तो 10 से कैंसिल, तो 3 अपॉन 10 के इज इक्वल टू 0.3 ग्राम कार्बन. दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स 1.1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन होगा वो ओनली कितना होगा, 0.3 ग्राम. एंड सिमिलरली सेकेंड वन, क्वांटिटी ऑफ एच इन H2O, तो H2O में एच किस फॉर्म में है, 2 के फॉर्म में, तो हम यहां क्या लिखेंगे, H2. तो यहां से अब आपको लिखना पड़ेगा, इसका मास क्या हो जाएगा, वन एटम का मास होता है 1 हाइड्रोजन का, तो 2 पर 2 ग्राम, सो 2 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास इज व्हाट, 18 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी ग्राम ऑब्टेन, 2.25. ओके, इट इज इक्वल टू 2 अपॉन 18 इंटू 225, वी कैन राइट इट व्हाट, 225 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 100. ओके, नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, इफ यू सॉल्व इट, इट विल कम 5
4 and this is 5 is equal to 20. Now again 9 and this is 4. 9 to ja 18 and 2 to ja 1. It is equal to 1 upon 4. That is 0.25 gram H2. Means what? Means in 2.25 gram water, the hydrogen is what? 0.25 gram. So in this way, you can solve the question. Okay. Now, I am giving you some more questions which you have to find it. Find quantity of copper. Quantity of copper in 145 gram CuSO4. Can you solve the question? Student, you have to solve. Okay. Question. Find. Okay. Quantity of sulfur in 100 gram H2SO4 molecule. Okay. Third one. Find quantity of calcium. Okay. Quantity of calcium in 50 gram calcium carbonate. Okay. Next one. Find quantity of sodium in 25 gram baking soda. Now I am changing the name. What? 25 gram baking soda. So student, you do solve this question with the help of given examples and formula.